आज सुबह से अब तक देश प्रदेश में कई बड़ी घटनाएं घटी हैं। अगर आपसे भी मिस हो गई हैं अभी तक की ये टॉप खबरें तो पढ़ें हमारा क्विक न्यूज सेगमेंट। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने भेजा न्योता, कांग्रेस ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार दोपहर राजभवन में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भेंट कर उनके समक्ष राज्य में पार्टी की सरकार बनाने का दावा पेश किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एवं प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजभवन में राज्यपाल से भेंट की। एमपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिया इस्तीफा, कहा नहीं करेंगे सरकार बनाने का दावा पेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को राजभवन में सौंपा। इस्तीफा देने के बाद चौहान ने मीडिया से कहा, इस्तीफा देकर आया हूं। बसपा का बड़ा फैसला है, मध्य प्रदेश राजस्थान में देगी कांग्रेस सरकार को समर्थन। बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस का समर्थन करेगी। मायावती ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बसपा कांग्रेस को राजस्थान में भी सरकार बनाने के लिए समर्थन देगी। राम मंदिर और राफेल पर हंगामे के बाद लोकसभा की बैठक दिन भर के लिए स्थगित। राम मंदिर, राफेल विमान सौदे, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग और तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा के किसानों के मुद्दों को लेकर बुधवार को लोकसभा में शिवसेना, कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी और अनाद्रमुक के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। ईडी के छापों पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, सभी आरोप गलत। मुझ पर हो रही राजनीति। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय के छापों पर आज अपना बयान दिया। उन्होंने इन छापों को गलत ठहराया है। वाड्रा ने कहा कि मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप पूरी तरह से गलत और राजनीतिक रूप से प्रभावित हैं।